हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। करीब दो महीने के बाद प्रदेश में आचार संहिता लगेगी और चुनाव होंगे। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी जमीन तैयार कर रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अब राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। उन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन कर लिया है और आज एक तरह से यहाँ मंथन किया गया है कुरुक्षेत्र के सैनी समाज धर्मशाला में बैठ करके चुनाव लड़ने को लेकर के। क्या कहेंगे साहब? देखिए, आज जो पूरे देश की राजनीति है उसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है। हमारे देश की राजनीति कारपोरेट के हाथ में चली गई, पूंजीवाद के हाथ में चली गई और आम जनता जो है उनका भोजन बंद कर और स्थिति यहाँ तक हो गई है कि गरीब और गरीब होता ही जा रहा है। कई करोड़ लोग भुखमरी पे पहुंच गए हैं जिसके साथ दो टन की रोटी नहीं बढ़ती। ये 23 करोड़ देश में भारत के अंदर 107वें स्थान पर पहुंच गया है हमारा देश और 80 करोड़ लोग यहाँ भीख पे जुड़ रहे हैं। यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, यहाँ स्वास्थ्य का व्यापारीकरण हो गया, यहाँ रोटी का व्यापारीकरण करने चले थे। यहाँ पे जो है पूंजीवाद जो है वो इस कदर हैवी है कि पूरे देश की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, चाहे वो हवाई अड्डे हैं, रेलवे हैं, बंदरगाहें हैं, बैंक हैं, कंपनियां हैं। और अब तो ये है कि टिकट भी पैसे से मिलता है राजनीतिक पार्टी, पैसे से टिकट खरीदते हैं, आजाद को खर्चते हैं, कमाते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति, जाति के नाम पे राजनीति अपने देश को ग्रीन करते हैं, अपने देश को तोड़ के अपने देश का ग्रो करते हैं। तो इस राजनीति को जो है वो शुद्ध करने की ज़रूरत है और हालत यहाँ तक पहुँच गई है। किसान यहाँ शोषण कर रहे हैं, मजदूर शोषण कर रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगार शोषण कर रहे हैं। बेरोजगारी का हाल मुझे हैरान पहुँच गया भारत में। यहाँ पे रहना नहीं कोई 4-8 दिन, कोई गांव हरियाणा में ऐसा नहीं है जिसे 100 बच्चे 200 बच्चे 500 बच्चे देश को छोड़ कर नहीं चले गए। और ये देश को बचाएगा कौन? इसलिए हमने इस देश को बचाने के लिए राजनीति पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी का काम किया है और जिसका 8वां निशान है अगला जो चुनाव है पूरे हरियाणा में और पंजाब के जो 4 सीटें हैं सब इलेक्शन में हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, बड़े बड़े दल हैं, सैकड़ों साल पुराना जिनका इतिहास है, वो भी यही बात कहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाएगी। और संयुक्त संघर्ष पार्टी कितने दिन में क्या? नहीं, हमारा प्रैक्टिकल है कि हम पिछले 32 साल से 40-50 बार जेल भी जा चुके, कितने बार लड़ पड़े, कितने बार जेड़े कटे, कितने बार मकदमे से वही कर रहे हैं, चल रहे हैं। भाई हम तो प्रैक्टिकल है लोगों के लिए कर रहे हैं पहले से, उनका तो कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं, उन्होंने तो कुछ करके दिखाया ही नहीं कि लोगों के सामने कोई उदाहरण पेश कर सकूँ कि हाँ मैंने तब आपके लिए लटकाए थे, मैं तब आपके लिए जेल में गया था, मैं तब आपके लिए कुर्बानी दी थी, मेरा जो पार्टी के पास बने। तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? गठबंधन भी हो सकता है, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के किसी पार्टी से हो सकता है और तीसरा मोर्चा ही बन सकता है और नहीं तो अकेले अपना गाँव पे भी लड़ेंगे। तो बीजेपी और जेजेपी क्यों छोड़ी जा रही है, क्या वजह? देखिए, बीजेपी और जेजेपी ने जो किसानों के साथ किया है वो अमानवता की अमानवता बन गई, तो इसलिए उनके साथ किसी आप। अब जो किसान बोर्ड में बैठे हैं उसको लेकर के कोर्ट ने पहले खोलने के आदेश दिए, अब दूसरे कोर्ट को जो है उसमें यथास्थिति बनाए रखने के बाद क्या कहना है? देखिए, हम तो यहीं उलझे रहेंगे बस, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि इसी चंडीगढ़ हाई कोर्ट हमने 2014 में केस किया था कि जो MSP है वो हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है क्योंकि फसल बिजाई से पहले सरकार MSP तय करती है और फिर उस पर ना खरीदे क्यों ना खरीदे। तो हाई कोर्ट ने जो है अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया, अगर हाई कोर्ट फैसला सुनाता तो शायद ये आंदोलन ही ना करना पड़ता। और हम कह रहे हैं चाहे हरा दो चाहे जिता दो, तो फैसला कर तो दो। 125 से ज़्यादा तरीके पड़ चुकी होंगी अभी तक, तरीक पर तरीक और तरीक ही पड़ रही है, कोई फैसला। तो ये जो है बॉर्डर खिलवा दो या बॉर्डर खिलवा दो, हमारा कहना तो ये है कि MSP तो सरकार ने तय किया हुआ है, वो बिकनी चाहिए, उस पर बैठने की जरूरत ही नहीं, सरकार को माननी चाहिए।
शिव संघर्ष पार्टी में कुछ और ऐसे बड़े चेहरे भी आने की कोई उम्मीद है दूसरी पार्टियों से? हाँ बिल्कुल आएंगे, और जैसे पार्टी का विस्तार अभी शुरू किया है, अब तो हफ्ता हुआ है प्रचार करते हुए, और आज भी एक छोटी सी पार्टी जो है वो हमारे में शामिल हो गई है, वो है क्या पूरा नाम कोहिनूर स्वतंत्रता पार्टी। अच्छा कोहिनूर स्वतंत्रता पार्टी है वो आज। सुनाम सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए लोगों की डिमांड हमारी पहवे से आई है कि पहवा से आपने काम पहवा। तो संयुक्त संघर्ष पार्टी ने एक तरह से चुनावी बिगुल बजा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को छोड़कर और किसी दल के साथ गठबंधन होने की संभावना है, और चुनाव जो है 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे अगर गठबंधन नहीं होता। रणदीप रोड पंजाब की सिटी क्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।